थोड़ी देर में जैकलिन की जमानत पर सुनवाई होगी। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन भी आरोपी है और फिलहाल अंतरिम जमानत पर है। माना जा रहा है कि ईडी जैकलिन की जमानत याचिका का विरोध करेगी, लेकिन जैकलिन के वकील का यह दावा है कि जैकलिन ने पूछताछ में जांच एजेंसी का सहयोग किया है और जितनी भी उनके पास जानकारी थी उन्होंने ईडी को दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा था। ईडी ने 14 सितंबर को जैकलिन से करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। 17 अगस्त को कोर्ट में दी गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया गया था। हालांकि जैकलिन के जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि जो भी सवाल ईडी ने जैकलिन से पूछे, जैकलिन ने हर सवाल का जवाब दिया और पूरा सहयोग ईडी का किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेल जैकलिन को जाना पड़ सकता है या फिर उनको बेल मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। हालांकि ईडी उनकी जमानत याचिका का पूरा विरोध करेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जैकलिन की मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती है। अनुज, जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी स्वतः हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या लगता है कि क्योंकि एक तरफ जैकलिन की तरफ से, उनके लॉयर की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि जो भी सवाल पूछेगा ईडी की तरफ से हर एक सवाल का जवाब जैकलिन ने दिया, पूरा सहयोग किया, लेकिन ईडी उनके बेल को लेकर विरोध कर सकती है। क्या जैकलिन की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होगी और कितना देर में वो कोर्ट पहुंचेंगी? जी बिल्कुल, जहां तक जैकलिन की बात की जाए तो जैकलिन इस वक्त कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में ही इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी, जहां एक तरफ कहा जा सकता है कि जैकलिन के वकील जो है वो रेगुलर बेल की डिमांड करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर हमने देखा था कि पिछली बार भी जब जैकलिन कोर्ट में आई थी तो उस दौरान भी उनके वकील ने यही कहा था कि इन्होंने जांच में पूरी तरीके से सहयोग दिया है और जब जब ईडी ने बुलाया है तब तब ये ईडी के सामने पेश हुई है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात किया जाए तो निश्चित तौर पर ईडी जो है वो इसका विरोध कर सकती है और ऐसे में निश्चित तौर पर जैकलिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो जाहिर तौर पर ईडी की तरफ से जहां एक तरफ इस पूरे मामले में दलील पेश की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जैकलिन के वकील की तरफ से इस तरीके की दलील पेश की जाएगी ताकि जैकलिन को रेगुलर बेल मिल सके। जी जी अनुज, क्योंकि अभी तक 5 बार ईडी ने पूछताछ की है जैकलिन से और जिस तरीके से उनके वकील का ये कहना है कि हर बार सहयोग किया गया है, तो क्या इन चीजों को भी कोर्ट मान सकता है कि हाँ जैकलिन ने पूरा सहयोग किया है तो शायद उनको जेल ना जाना पड़े? क्या राहत मिल सकती है इन आधार पर अगर वकील इन बातों को रखते हैं जज के सामने? तो निश्चित तौर पर जैकलिन के वकील की तरफ से तमाम ये कवायदें जो हैं वो की जाएंगी और तमाम बातें रखी जाएंगी कि किस तरीके से जैकलिन ने पूछताछ में सहयोग किया है। लेकिन जहां तक दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल जो की थी, उसमें साफ तौर पर ये बताया गया। जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।